हेलो स्टूडेंट्स, आज हम लोग हाई स्कूल की क्लास में पढ़ेंगे द्विघात समीकरण। सबसे पहले मैं नौरंग सर आप सभी का ऑनलाइन स्टडी में बहुत बहुत स्वागत करता हूं। द्विघात समीकरण हम लोग पढ़ेंगे। हमारे हाई स्कूल के सिलेबस में चैप्टर द्विघात समीकरण शामिल है। ये द्विघात समीकरण होता क्या, सबसे पहले ये देखेंगे। नाम से स्पष्ट है द्विघात, यानी कि द्विघात का मतलब क्या, द्वि मतलब होता है दो। तो ऐसे समीकरण जिसका अधिकतम घात जो हो वो दो, यानी कि दो घात वाले समीकरणों को हम क्या कहते हैं, द्विघात समीकरण कहते हैं। अर्थात ऐसे समीकरण जिसका अधिकतम घात दो हो उसे हम कहते हैं द्विघात समीकरण। ऐसे ही त्रिघात समीकरण भी होता है, तो तीन घात वाले समीकरणों को हम कहते हैं त्रिघात समीकरण, जिसका अधिकतम घात तीन हो। और एक रैखिक समीकरण भी जो होता है, जिसको हम लोग जूनियर स्तर पर पढ़ चुके हैं, रैखिक समीकरण या सरल रेखीय समीकरण भी कहते हैं उसको। ऐसा समीकरण जिसका अधिकतम घात एक हो उसे हम कहते हैं रैखिक समीकरण। तो रैखिक समीकरण एक घात, द्विघात समीकरण दो घात वालों को, त्रिघात समीकरण तीन घात वालों को। द्विघात समीकरण जो होता है वो किस फॉर्मेट में होता है, तो द्विघात समीकरण का जो स्टैंडर्ड फॉर्मेट होता है वो होता है एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू जीरो। जैसा कि हम जानते हैं समीकरण में हमेशा दो पक्ष होते हैं, बराबर के दाहिने तरफ राइट हैंड साइड और बराबर के बाएं तरफ लेफ्ट हैंड साइड। तो बराबर के दाहिने तरफ जीरो, बाकी ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, जहां ए बी और सी जो है क्या है, अचर पद है। अचर पद का मतलब क्या हुआ, कॉन्स्टेंट है, इनका वैल्यू फिक्स। जैसे उदाहरण के तौर पर देखें, जैसे कहा जाए थ्री एक्स स्क्वायर प्लस फाइव एक्स प्लस सेवन इज इक्वल टू जीरो, तो ये किसका मान है, एक्स स्क्वायर का गुणांक ए है, एक्स का गुणांक बी है, और ये कॉन्स्टेंट टर्म क्या कहलाएगा, सी कहलाएगा। जैसे लिखा जाए टू एक्स स्क्वायर माइनस सेवन एक्स माइनस फाइव, सिक्स एक्स स्क्वायर माइनस फाइव एक्स प्लस थ्री, तो ऐसे में ये ए एक्स स्क्वायर के गुणांक को ए कहेंगे, एक्स के गुणांक को बी कहेंगे, और कांस्टेंट टर्म को हम सी कहेंगे। द्विघात समीकरण के लिए हमको ये भी जानना जरूरी है कि जब हम द्विघात समीकरण को हल करते हैं तो इसके दो हल प्राप्त होते हैं, अर्थात द्विघात समीकरण में दो हल प्राप्त होते हैं या दो सोल्यूशन इसके मिलते हैं, दो सोल्यूशन इसके मिलते हैं। दोनों सोल्यूशन को हम क्रमशः अल्फा और बीटा से इंडिकेट करते हैं, अल्फा और बीटा से इंडिकेट करते हैं। अर्थात जब हम द्विघात समीकरण को हल करेंगे तो हमें दो उत्तर प्राप्त होंगे, उन दोनों आंसर को, दोनों सोल्यूशन को, दोनों हल को अल्फा और बीटा से इंडिकेट करेंगे। अब चर्चा करते हैं कि इनको हम क्या करेंगे, हल कैसे करेंगे। अगर ये तो पहचान हो गया, हल करने के लिए क्या करना होगा हमको, द्विघात समीकरण को हल करने के लिए, अर्थात द्विघात समीकरण को हल करने की दो विधियां हैं। कितनी विधियां हैं, दो विधियां। मुख्य रूप से ध्यान रहे, यहां हम अपने हाई स्कूल लेवल के हिसाब से दो विधियों से हल करेंगे। पहला कहलाता है गुणनखंड द्वारा, पहला क्या कहलाता है, गुणनखंड द्वारा, और दूसरा कहलाता है सूत्र द्वारा, सूत्र द्वारा। और सूत्र किसका है, तो सूत्र है श्रीधराचार्य का, श्रीधराचार्य नामक गणितज्ञ ने सूत्र दिया था, हम उसी सूत्र से द्विघात समीकरण को हल करेंगे। और गुणनखंड द्वारा कैसे हल करेंगे, गुणनखंड जो गुणनखंड करने के बहुत सारे तरीके हैं, हम जो तरीका यहां लगाया मुख्य रूप से मध्य पद को बांट, मध्य पद को बांट करके, मध्य पद को दो भागों में बांट कर हम क्या करेंगे, गुणनखंड करेंगे। हम लोग पिछली कक्षा में पढ़े थे मध्य पद को बांट के गुणनखंड करने के लिए, एक डेमो देखते हैं, एक उदाहरण के द्वारा। जैसे एक्स स्क्वायर प्लस सेवन एक्स प्लस ट्वेल्व अगर लिखा हो तो इसको हम हल कैसे करेंगे, ये बताएं सबसे पहले द्विघात समीकरण है कि नहीं, क्योंकि हमने बताया द्विघात समीकरण स्टैंडर्ड फॉर्म होता है वो ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू
जीरो के फॉर्मेट में होता है, तीन पद चाहिए, एक्स पर दो घात चाहिए, वो इसमें दिया है। ऐसे में क्या करेंगे, एक्स स्क्वायर प्लस सेवन एक्स प्लस ट्वेल्व को, तो जब एक्स स्क्वायर के आगे गुणांक वन होता है, कोई अंक नहीं रहता तो वन होता है, ऐसे परिस्थिति में जो कॉन्स्टेंट टर्म है यानी कि 12, इस 12 का ऐसा हम फैक्टर करेंगे, दो भागों में ऐसा गुणनखंड करेंगे कि आगे का चिन्ह प्लस होगा तो जोड़ने पर 7 आना चाहिए, और अगर यहाँ घटाना होगा तो घटाने पर 7 आना चाहिए, यहाँ प्लस है तो जोड़ने पर। जैसे 12 का गुणनखंड करेंगे, 12 एकन्ने 12 होता है, 4 तिया 12 होता है, 6 दुना 12 होता है, लेकिन जोड़ेंगे तो कब 7 आएगा, 4 तिया 12, क्योंकि 6 2 8, जरा ध्यान देंगे, 6 दुना 12, 4 तिया 12 और 12 एकन्ने 12, लेकिन अगर इसको हम करेंगे तो 6 2 8, 4 3 7, यही है हमारा गुणनखंड का मेन चाबी कह सकते हैं इसको। तो 7 को हम दो भागों में बांट देते हैं, किसके किसके, 4 प्लस 3 के, और 12 रहने देंगे इज इक्वल टू 0, ये क्या होगा, एक्स स्क्वायर प्लस 4 एक्स प्लस 3 एक्स प्लस 12 बराबर 0। और यहाँ अब 4 टर्म हो गया, दो दो लोगों का पेयर बना के कॉमन ले लेंगे, तो ये x कॉमन लेंगे तो क्या होगा, x प्लस 4, क्योंकि दोनों जगह x दिख रहा है, यहाँ 3 के टेबल में 12 आता है, 3 कॉमन लेंगे तो x प्लस 4 इज इक्वल टू 0, या पूरे में देख रहे हैं x प्लस 4 दोनों जगह ये कॉमन ले लेंगे, पूरा ब्रैकेट कॉमन ले लेंगे, तो बचेगा क्या, x प्लस 3 इज इक्वल टू 0। अब यहां से क्या करना है, यहां से हमको लिखेंगे जब x प्लस 3 इज इक्वल टू 0 देन x इज इक्वल टू माइनस 3, ये हमारा पहला आंसर है जिसको हम अल्फा कहेंगे, और जब x प्लस 4 इज इक्वल टू 0 तो x इज इक्वल टू माइनस 4, ये हमारा दूसरा आंसर है जिसको हम क्या कहते हैं, बीटा कहते हैं। तो ये गुणनखंड विधि है, गुणनखंड विधि के सहायता से हम इस तरह से द्विघात समीकरण को हल करें। एक और उदाहरण देखते हैं, 4x स्क्वायर प्लस 11x प्लस 6 इज इक्वल टू 0। सबसे पहले हम डिसाइड करेंगे कि x स्क्वायर प्लस 3x प्लस 6 के फॉर्मेट में है कि नहीं, तो बिल्कुल है। ऐसे परिस्थिति में हमने कहा x स्क्वायर के आगे कोई अंक नहीं रहता तो हम 6 कांस्टेंट टर्म को लेते, लेकिन जब इसके आगे कोई अंक आ जाता है तो सबसे पहले इसका मल्टीप्लाई इस कांस्टेंट टर्म में करते हैं, यानी 4 का मल्टीप्लाई 6 में करेंगे, तो 4 6 24 यानी कितना हो रहा है, 24। अब हम क्या करेंगे, इस 24 का ऐसा गुणनखंड करेंगे, इस 24 का ऐसा गुणनखंड करेंगे कि जोड़ने पर बीच वाला टर्म बी यानी कि 11 आ जाए। तो हमें मालूम होना चाहिए कि जो 24 के फैक्टर होते हैं, सबसे पहला तो 24 गुणे 1 होगा, उसी को हम कहें तो 12 गुणे 2 भी होगा, 8 गुणे 3 भी होगा, 6 गुणे 4 भी होगा, हर बार 24 आ रहा है, लेकिन कब 11 आएगा, 6 4 10 8 3 11 12 2 14 24 1 25, यही तो है, 8 3 का 24 और 8 में 3 जोड़ेंगे 11। तो इस तरह से ये हमारा, यही है हमारा सही ट्रिक। और इस तरह से हम क्या करेंगे, 4x स्क्वायर प्लस 8 प्लस 3 x और प्लस 6 इज इक्वल टू 0। अब क्या करेंगे, मल्टीप्लाई करें x का अंदर, क्या बनेगा, 4x स्क्वायर प्लस 8x प्लस 3x प्लस 6 इज इक्वल टू 0, या ये बन जाएगा 4 के टेबल में 8 आता है, कॉमन ले लेंगे तो 4x कॉमन लेंगे, क्या बचेगा, x प्लस 2, ये 3 के टेबल में 6 आता है तो 3 कॉमन, ax प्लस 2 इज इक्वल टू 0, ये क्या हो गया, x प्लस 3 पूरे में है कॉमन ले लिए, बाहर कौन बचा, 4x और प्लस 3 बचा इज इक्वल टू 0, दो ब्रैकेट मिल गया। यहां से क्या करना हमको, जब पहला ब्रैकेट x प्लस 3 इज इक्वल टू 0 देन x इज इक्वल टू माइनस 3, ये हमारा है पहला आंसर। और फिर होगा जब 4x प्लस 3 इज इक्वल टू 0 देन 4x इज इक्वल टू होगा माइनस 3, या x इज इक्वल टू होगा माइनस 3 बाई 4, तो ये हुआ हमारा दूसरा आंसर। एक और उदाहरण देखते हैं, अब तक हम लोग जो उदाहरण देखे दोनों में प्लस था, जोड़ने पर लाना था, अब जो उदाहरण दिख रहा है आपके सामने 8x स्क्वायर माइनस 2x माइनस 3 इज इक्वल टू 0, ये भी स्टैंडर्ड फॉर्म के फॉर्मेट पर है। ऐसे में हम क्या करते हैं, ये 8 का मल्टीप्लाई 3 में करेंगे, 8 3 जा
24, फिर 24 आ रहा, लेकिन इस बार 24 का वह फैक्टर हम चयन करेंगे जिसको घटाने पर सब्ट्रैक्ट करने पर 2 आए, जैसे 8 त्रिका भी 24 होता है, 6 गुणे 4 भी होगा, 12 गुणे 2 भी होगा और 24 गुणे 1 भी, लेकिन कब घटाएंगे तो 2 आएगा, 8 में से 3 घटाएंगे 5, 6 में से 4 घटाएंगे 2, यही है हमारा सही ट्रिक, क्योंकि 12 में से 2 घटाएंगे तो 10 बचेगा, 24 में से घटाएंगे तो 23 बचेगा। तो इस तरह से 8x² - 2 की जगह पर हम लिखेंगे क्या, 6 - 4, क्योंकि वास्तव में ध्यान से देखना 6 में से 4 घटाएंगे 2, बाकी कुछ नहीं करना है। अब क्या करेंगे, 8x² - 6x - 4 - 3 = 0, जरा ध्यान देंगे कुछ मिस्टेक है, जी हाँ, ब्रैकेट के बाहर माइनस रहता है तो ब्रैकेट जब हटाते हैं तो अंदर का चिन्ह बदल जाता है, और x का गुणा 4 में भी करना है तो x का गुणा 4 में भी करना है, ये मैंने इसलिए किया ताकि आप ऐसा करते हो तो फिर से रिवाइज कर लो। ओके, इन दोनों में कॉमन लेना स्टार्ट करेंगे, 8 और 6 में कॉमन क्या मिलेगा, 2, 2 के पहाड़े में दोनों आते तो 2x कॉमन लेंगे क्या बचेगा, 4x - 3, यहाँ 4x और 3 में क्या कॉमन मिल रहा है, 4 के टेबल में 3, 3 के टेबल में 4, कुछ नहीं मिल रहा है, कोई भी कॉमन फैक्टर नहीं है तो 1 मिलेगा, जहां कुछ भी कॉमन नहीं मिलता वहां 1 मिलता है, तो 1 कॉमन लेंगे तो क्या बचेगा, 4x - 3 = 0, यहां से क्या हो गया, बोथ आर सेम, यहाँ चौथे लाइन में ध्यान से देखना दोनों कोष्टक में सेम आया तो ठीक, नहीं तो चेक करें ऊपर क्या गलत है, तो ये 4x - 3 को कॉमन लेंगे तो क्या बचेगा, 2x + 1 बचेगा = 0। अब यहां से क्या करना है, 5 लाइन में हमको लगाना है, 5 लाइंस आसानी से लगाएंगे और उसके बाद लिखेंगे क्या, जब 4x - 3 = 0 देन 4x = 3 - 3 को ट्रांसफर किया और x = आ गया 3/4, ये हमारा है पहला आंसर जिसको हमने अल्फा नाम दिया था स्टार्टिंग में। फिर जब 2x + 1 = 0 करेंगे तो 2x = होगा -1 और x = होगा -1/2। तो इस तरह से हम क्या कर सकते हैं, अल्फा और बीटा अर्थात द्विघात समीकरण को हल करके दो अलग अलग हल, दो अलग अलग मूल यानी कि आंसर प्राप्त कर सकते हैं। मैं उम्मीद करता हूं कि आज का ये द्विघात समीकरण हल करने की पहली विधि पसंद आया होगा, अगर पसंद आए तो अपने अन्य मित्रों को भी ये हमारा वीडियो अवश्य शेयर करें। आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में श्रीधराचार्य के साथ।